हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सेवेंथ पे कमीशन से रिलेटेड, जो सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, पेंशनर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। खासकर हम बात करेंगे इसमें मिनिमम सैलरी और फिटमेंट फैक्टर की, जिसके ऊपर जो है अब जो है दोबारा से जो है काम शुरू हुआ है। मैं आपको एग्जैक्ट जो है नोटिफिकेशन है वो आपको पढ़ के बताऊँगा, जिससे आपको पता चल सके कि जो सेवन्थ पे कमीशन की लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है उस पर काम क्या चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कॉन्फेडरेशन कॉल फॉर नेशन वाइड प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल, इसमें साफ साफ लिखा है कि अब जो है नेशन वाइड प्रोटेस्ट और स्ट्रगल होगा, जिसमें कि मेन मेन मुद्दे होंगे स्क्रैप न्यू एनपीएस को स्क्रैप करना, ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से लागू करना, स्टॉप कॉरपोरेशन और प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज, जो रेलवे में प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया है उसको स्टॉप करना, डिफेंस एंड पोस्टल डिपार्टमेंट, इवन पोस्टल डिपार्टमेंट में भी प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको इशू हो रहा है और उनके लिए मुश्किल हो रही है, तो उसको जो स्टॉप करना। फिल ऑल 6 लाख वैकेंट पोस्टेड, अभी जो है 6 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वेकेंट पोस्ट है, जिसको कि फिल करने की बात की गई है। और ये बेसिकली एनजेसीए का प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, जो कि पूरे 1 महीने का प्रोग्राम है, और ये सारे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर जो है बात की जानी चाहिए, जिसमें कि ऑनर एश्योरेंस गिवन बाय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स टू एनजेसीए लीडर्स, जो कि 30/6/2016 को एनजेसीए की एक मीटिंग हुई थी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ। तो ये कहा जा रहा है कि जो उन बातों में, उस मीटिंग में जो जो बातें तय की गई थी उनको ऑनर किया जाए, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे कि जो है ये प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके। और उस टाइम पे बात की हुई थी इंक्रीज मिनिमम पे की बात हुई थी, फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की बात की गई थी। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है उसमें डिस्कस किए गए थे, तो अब ये कहा जा रहा है कि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके अलावा दोस्तों, फिल अप ऑल द 6 लाख वैकेंट पोस्ट, जो भी 6 लाख वैकेंट पोस्ट है उसको फिल करने की बात की गई है। रेगुलराइज ग्रामीण डाक सेवक एंड कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, और जो ग्रामीण डाक सेवक से उनको जो है रेगुलराइज किया जाए। तो अल्टीमेटली अभी जीडीएस के लिए भी जो है एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि उनको जो है रेगुलराइज करने के लिए जो है एनजेसीए का प्रोटेस्ट ऑफ एक्शन शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, ये थे आज का इम्पॉर्टेंट अपडेट सेवन्थ पे कमीशन से रिलेटेड, जिसमें कि जितने भी पेंडिंग मुद्दे हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी तरह के पेंशनर से रिलेटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई से रिलेटेड और गवर्नमेंट एम्प्लॉई से रिलेटेड अपडेट्स के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।